हेलो एवरीवन, आई एम नेहा. वेलकम बैक टू माय चैनल सिया सिल्क स्टूडियो. एंड आई एम रियली सॉरी, इट्स बीन आई टुक सो मेनी मंथ्स टू कम बैक विद अ न्यू वीडियो. सो व्हाट आई एम गोना टेल यू टुडे इज ऑल द बेसिक्स ऑफ सिल्क पेंटिंग. सिल्क पेंटिंग क्या है, मुझे कैसे पता चला, मैंने कैसे स्टार्ट किया, आपको बेसिक कलर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे करते हैं, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या जाना, जितना मुझे पता है आई विल टेल यू टुडे. एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे, जैसे मुझे सब लोग एक्चुअली रियली थैंकफुल, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है. सो आई डिसाइडेड टू टेल यू ऑल द बेसिक्स, जितना मुझे पता है, एंड कहाँ से कलर्स मिलेंगे, बिकॉज दीज कलर्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट. सो यू हैव टू गो ऑन अ पर्टिकुलर साइट टू बाय देम. एंड वॉट आर द ट्रिक्स एंड द बेसिक्स. सो टूडे आई विल टेल यू द बेसिक्स एंड लेटर ऑन वील सी कि क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या कमेंट्स आते हैं, उसके बेसिस में आई विल मेक अनदर वीडियो. सो हियर वी गो. दिस इज माई क्यूट लिटिल ट्रॉली where I keep my colors during the painting hours and it is very easy to carry. I bought it from IKEA. Okay, so let's begin with the basic colors. These are the PBO silk setter silk colors. ये आपको अमेजन पे आराम से मिल जाएंगे. एंड समटाइम्स अवेलेबिलिटी का कोई कुछ कुछ इशू होता है फॉर सम कलर्स, बट नॉर्मली मिल जाते हैं आराम से. एंड दीज आर द लिक्विड कलर्स जिसको हमें यूज करने के लिए दे स्प्रेड व्हेन वी अप्लाई देम ऑन द फैब्रिक. एंड इसको यूज करने के लिए पहले हमें गुट्टा चाहिए होता है. पहले हम गुट्टा से आउटलाइन करते हैं वॉट एवर डिजाइन वी वॉन्ट टू ड्रॉ. उसके बाद उसको सूखने देते हैं. उसके बाद जिस तरीके का हमें शेड चाहिए हम वो कलर यूज करते हैं. ये सेटा सिल्क की बॉटल्स हैं, 45 ml में ही आती है ये. एंड इसमें ऑलमोस्ट आई गेस 20 के अप्रॉक्स शेड्स अवेलेबल हैं. उसके बाद माराबू, एक और ब्रांड जो मुझे मिला काफी सर्च करने पे कुछ साइट्स में, वो था ये माराबू सिल्क. एंड ये भी ऑलमोस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है इनकी, बट क्वांटिटी में ये 50 ml की पैकिंग में आते हैं. उसके बाद लेट्स गो टू द अदर सेगमेंट, दैट इज गुट्टा. गुट्टा क्या है बेसिकली? गुट्टा इज अ पेस्ट जो, ये मेरे पास गुट्टा अवेलेबल है, दीज आर ट्यूब्स. एंड वैसे लिक्विड में भी है मेरे पास. सो इट्स बीन अराउंड 2 years प्लस सिंस आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली, सो आई गॉट अ गुड कलेक्शन ऑफ दीज कलर्स. एंड आप देख सकते हो ये लाइट ग्रे कलर है, काइंड ऑफ द स्टील ग्रे कलर. एंड 45 ml की जो शीशी है ये आपको इंडिया में मिल जाती है 375 rupees की. सो इफ यू आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड देन इनिशियली व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, तो आप एक दो कलर मंगा के ट्राई कर सकते हो. एंड वंस आपको मजा आने लग गया तो, और आपने इसको प्रोफेशनली शुरू कर दिया तो इट्स लाइक एक शीशी काफी दिन चलती है, राइट? एंड उसके बाद हम गुट्टा समझ लेते हैं. गुट्टा क्या है? गुट्टा ये ऐसे ट्यूब्स में भी आता है, ऐसी लिक्विड फॉर्म में भी आता है. ट्यूब्स में आपको ट्रांसपेरेंट कलर, वाटर बेस्ड ट्रांसपेरेंट कलर एंड गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर में मिल जाएगा. बट बेसिकली ज़्यादातर मेरे जो यूज़ में है वो ट्रांसपेरेंट एंड गोल्डन कलर है. सो मैं अब आपको बताती हूँ.
हम क्या करते हैं बेसिकली सेल्फ पेंटिंग में, गुट्टा से पहले आउटलाइन बनाते हैं पेंटिंग की, वॉट एवर डिजाइन वी वॉन्ट टू पेंट, देन उसको सूखने देते हैं गुट्टा को, देन उसके पीछे आयन करते हैं। आयन करने से क्या होता है कि जो गुट्टा की रबर होती है वो कपड़े पे अच्छे से चिपक जाती है। उस पर अगर हम फिर उसके बाद अगर हम उस पर कलर अप्लाई करते हैं तो इवन कहीं पे थोड़ा ज़्यादा भी कलर हमने डाल दिया तो वो स्प्रेड नहीं करता, मतलब डिज़ाइन के बाहर नहीं आता है। सो दैट इज सो आयनिंग बिफोर स्टार्टिंग टू पेंट विद सिल्क पेंट्स इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन माई केस। आई डू इट, आई प्रेफर टू डू इट। समटाइम्स मैंने नहीं किया है तो मैंने पछताया है बिकॉज उसमें फिर कलर बाहर निकल जाता है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है आपका रिमूवेबल जो लिक्विड फॉर्म वाला गुट्टा है। इसके लिए बॉटल्स आती हैं अमेजन पे, आपको मैं दिखाती हूँ। इस टाइप की बॉटल्स आती हैं मेहंदी अप्लाई करने वाली, तो आप ऐसी बॉटल्स ले सकते हैं। उसमें जो भी डिजायर्ड कलर है इसमें एक ऐसी नोजल रहती है, तो आपको क्या करना है ये गुट्टा डालना है इसमें, इसको डाइल्यूट करना है जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, और उसके बाद आपको डिज़ाइन ट्रेस करके कपड़े पे, उसके बाद आपको इससे डिज़ाइन बनानी है। जैसे कि मैंने एक गुट्टा की पेंटिंग बना रखी है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक सूट बनाया है, शर्ट पीस, इस पे ये जो मॉन्स्टर लीव्स है आप देख लो, ये इसका आउटलाइन गुट्टा से किया हुआ है, और उसके बाद इसको सूखने के बाद मैंने इसमें कलर फिल किया है। सो बेसिकली जैसे सिल्क फैब्रिक होता है, सैटिन होता है, उसमें गुट्टा का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ऑर्गेन्जा पे काम कर रहे हैं तो एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है गुट्टा की, आप बिना गुट्टा के भी काम कर सकते हो बिकॉज ऑर्गेन्जा पे स्प्रेड नहीं करता है उतना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे तो स्प्रेड करेगा, जैसे ये दुपट्टा है उसी सूट का, तो इस पे मुझे गुट्टे की ज़रूरत नहीं थी। इस पे ये आप बिना गुट्टे के भी पेंट कर सकते हो, ये आप देखो। एंड ऑर्गेन्जा तो आजकल बहुत इन है, सबसे ज़्यादा डिमांड मुझे ऑर्गेन्जा की आती है, इसलिए अगर आप गुट्टा यूज़ करने में हिचक रहे हो तो देयर इज़ नो इशू, आप ऑर्गेन्जा पे आराम से काम कर सकते हो बिना गुट्टा के। उसमें बस मैं क्या करती हूँ, आखिर में ब्रश से आउटलाइन कर देती हूँ, या एक ये ग्लिटर आते हैं इनको सूखने के बाद, आखिर में मैं फैब्रिक ग्लिटर है ये, इसको मैं सूखने के बाद यूज़ कर लेती हूँ। And this is very easily available and very reasonable, like 20 का I guess ये एक पड़ता है ट्यूब। एंड उसके बाद जो चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट करी हैं जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है बेसिकली पेंटिंग करने में, बट आप मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। ये हैं, ये पेन है, ये PBO के ही हैं, ये पेन सेटा स्क्रिप्ट PBO। सो बेसिकली मैंने ये लिया था मधुबनी, जो बिहार की मधुबनी साड़ीज रहती है वो करने के लिए, तो एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड, लाइक आप इनको फैब्रिक पे आराम से चला सकते हैं, जो भी चाहिए आपको, लाइक अ पेन, आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ मैसेज वाले लाइक साड़ी में मैसेज डालने हैं, या कुछ भी आपको वैसे चाहिए तो वो आप इनसे कर सकते हैं। ये भी मुझे अमेजन से ही मिले हैं। एंड सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया ये PBO सेटा सिल्क माराबू, ये दो ब्रांड्स हैं जो मैंने अभी तक। एंड सिल्क पेंटिंग में ये जैकवर्ड सिल्क सॉल्ट का भी यूज़ होता है, ये एक इसको यूज जैसे आपने पेंट सरफेस कर लिया बट उसमें एक इफेक्ट डालना है ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे कलर फट जाता है अगर आप ये सॉल्ट डालोगे, नॉर्मल सॉल्ट डालोगे तो भी शायद फटेगा, मैंने ट्राई नहीं किया है, बट ये मुझे रिकमेंड किया था किसी मेरी फ्रेंड ने, तो मैंने ये ऑर्डर किया अमेजन से। ऐसे ही मैंने एक और चीज़ ऑर्डर कर रखी है सिल्क पेंटिंग के लिए, दिस इज़ एयर फिक्स। लाइक अगर आपने ये क्या है, आपने कलर के साथ ही अगर इसको ऐड कर दिया तो ये फिर आपको आयन करने की ज़रूरत नहीं है, कलर फिक्स हो जाता है। सो
अभी आप देख लीजिए, ये गुट्टा है, ये लिक्विड रेजिस्ट है, मतलब ये ट्यूब वाला गुट्टा है, ये रेजिस्ट है, ये कलर्स हैं एंड ये सिल्क के पेन कलर्स हैं। और सिल्क कलर्स का मतलब ये नहीं है कि आप इनको और नॉर्मल फैब्रिक में यूज़ नहीं कर सकते, आप नॉर्मल फैब्रिक में बेशक आराम से बिना प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंथेटिक फैब्रिक में भी यूज़ किया है, घर पे धो भी दिया है, कलर्स नहीं निकले हैं। ओनली थिंग इज आपको पहले आयन कर लेना है, आयन करके सेट कर लेना है। एंड मुझे लगता है मैंने बहुत ही स्मॉल लेवल से शुरू किया था, लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने बताया कि ओके आई एम डूइंग इट, मैंने स्कार्व्स बनाए एंड लोगों को बहुत पसंद आए एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। एंड आई गेस कोई भी कर सकता है एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको पसंद भी है, आप घर में बैठ के कर सकते हैं अपनी कम्फर्ट में एंड इट इज़ अमेजिंग टू अर्न फ्रॉम वॉट यू लव डूइंग। लाइक आई यूज़ टू वर्क इन कॉरपोरेट्स बट आई नो वहाँ पे काम करने में और अपने घर में बैठ के अपने इंटरेस्ट के लिए काम करके अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो बुराई क्या है। एंड स्पेशली कोरोना के टाइम पे इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, अपने लिए, इनफैक्ट मुझे कम टाइम मिल पाया है अपने लिए कुछ बनाने का, जब से मैंने शुरू किया है मुझे ऑर्डर्स इतने मिल जाते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बट अभी मैंने सोचा है कि अपने लिए भी बनाना है। सो मुझे लगता है काफ़ी हो गया आज के लिए। कोई भी डाउट्स हो आपको, कोई भी डाउट्स हो, वैसे आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन है कि ये फ्रेम कैसे बनाना है जिसमें मैंने साड़ी पेंट करती हूँ। वैसे तो मेरे पास वो जो हूप्स होते हैं वो भी हैं पेंट करने के लिए, बट इतनी बड़ी साड़ी पेंट करने के लिए आप हूप्स में लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। एंड प्लस अगर आप बहुत बड़ी कोई डिज़ाइन बना रहे होंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। तो अभी उसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने खुद ढूंढा है DIY करके, लाइक कुछ चीज़ों को खुद सोच समझ के, काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने काफ़ी जगह, लाइक आई ट्राइड लॉट कि लोग मुझे बता दें जो पेंटिंग करते हैं, बट मुझे ऐसा सच किसी ने बताया नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। बट जो मैंने किया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कैसे बनाना है फ्रेम, बिकॉज फ्रेम आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं पेंटिंग करना चाहती थी बहुत पहले से, बट बिकॉज मेरे पास फ्रेम नहीं था तो मैं पेंटिंग नहीं कर पा रही थी। लाइक 2012 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हैंड पेंटिंग बड़े कपड़े में, साड़ी में, बट प्रॉब्लम क्या आती कि आप, मैं हूप्स में करती थी, वो जो हूप्स आते हैं ना नॉर्मल छोटे वाले, उसमें मैं करती थी, बट ना एक बनाई साड़ी, दो बनाई, उसके बाद आप थक जाते हो कि कैसे करें। एंड इट इज़ वेरी टफ ना कि साड़ी गंदी हो गई, कप जमीन में लग रही है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वो उसका सोल्यूशन क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।